नमस्कार, हरियाणा हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। तो आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से वो मुलाकात करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। रक्षा मंत्री से वो मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से भी वो मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात के दौरान कई विषयों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर रवाना होंगे, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन से वो मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर आज शाम दिल्ली के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रवाना होंगे। इसी के साथ रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर खट्टा सिंह को अदालत में पेश किया जाएगा। डेरा प्रमुख का पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह, डेरा पक्ष की मांग है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए। तो मांग उठाई जा रही है और डेरा पक्ष चाहता है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि जिस तरीके से खट्टा सिंह बयान देता है, बार बार अपने बयान को बदलता है। खट्टा सिंह ने याचिका में सीबीआई को दोबारा गवाही देने का आग्रह किया है और इसी को देखते हुए हाईकोर्ट में आज खट्टा सिंह मामले की सुनवाई होगी। खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए, डेरा पक्ष की मांग की जा रही है। डेरा पक्ष अब चाहता है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट हो। डेरा प्रमुख का पूर्व ड्राइवर है खट्टा सिंह और खट्टा सिंह ने याचिका में सीबीआई को दोबारा गवाही देने के लिए आग्रह किया था, लेकिन डेरा पक्ष की माने तो उनका कहना है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि बार बार वो अपने बयान को बदलता है, अलग अलग बार अलग अलग बातें कहता है, जिसे लेकर अब डेरा पक्ष का कहना है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो दोबारा गवाही करने के लिए आग्रह किया गया है खट्टा सिंह की ओर से हाईकोर्ट में। खट्टा सिंह मामले पर सुनवाई होगी आज और अब नार्को टेस्ट की मांग भी की जा रही है। डेरा पक्ष चाहता है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट कराया जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट में आज खट्टा सिंह मामले में सुनवाई होगी। खट्टा सिंह डेरा प्रमुख का पूर्व ड्राइवर था, जिसे लेकर अब डेरा पक्ष चाहता है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट हो, क्योंकि उनका कहना है कि शायद खट्टा सिंह कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। अलग अलग बार वो अलग अलग गवाही देता है और सीबीआई को दोबारा गवाही देने का आग्रह भी खट्टा सिंह ने किया है। तो रंजीत मर्डर मामले में अब दोबारा से गवाही देने की बात खट्टा सिंह ने कही है और इसी के साथ आग्रह भी सीबीआई से किया है कि दोबारा वो गवाही देना चाहता है, लेकिन डेरा पक्ष का कहना है कि बार बार वो अपने बयान को बदलता है, हर बार कुछ और बात सामने निकल कर आती है, इसलिए उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद खट्टा सिंह झूठ बोल रहा है। अलग अलग बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है। तो डेरा पक्ष का अब कहना है कि इसे जाँचने के लिए खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो हाईकोर्ट में आज खट्टा सिंह मामले में सुनवाई होगी और इसी के साथ डेरा पक्ष का कहना है कि खट्टा सिंह का नार्को टेस्ट है। उनका कहना है कि खट्टा सिंह झूठ बोल रहा है, अलग अलग गवाही उसने दी है। खट्टा सिंह ने याचिका में सीबीआई को दोबारा गवाही देने का आग्रह भी किया है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि पंचकुला से आ रही है, जहां पर झूठे एफिडेविट देकर एक से ज्यादा प्लाट देने का मामला सामने आया है। 59 आरोपियों की लिस्ट में अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की मृतक मां कलावती देवी और जीजा रिटायर्ड आईएएस आरके रंगा का नाम भी शामिल है। इसी के साथ कई बड़े अधिकारियों का नाम भी इस मामले में सामने आया है। कलावती के नाम पर पंचकुला के सेक्टर 6 में भी प्लाट जो है वो बताया गया है और इसी के साथ जस्टिस टंडन को पहले पंचकुला सेक्टर 8 में, बाद में 1 में प्लाट फरीदाबाद में अलॉट हुआ है। तो कई बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया है। तो अब कई बड़े ऑफिसर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्राधिकरण के संपदा अधिकारी ने 59 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लिस्ट में पूर्व जस्टिस और कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
तो हाई कोर्ट में 2013 में याचिका दाखिल की गई थी 59 लोगों के खिलाफ। अब ये मामला दर्ज किया गया है। याचिका में प्राधिकरण से कई डिफेंस अधिकारियों ने एक से ज्यादा प्लॉट ले रखे हैं, एक से ज्यादा प्लॉट उनके नाम हैं। तो झूठे एफिडेविट देकर एक से ज्यादा प्लॉट लेने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कई अधिकारियों के नाम इसमें शामिल है। 59 आरोपियों की लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की मृतक माँ का नाम भी शामिल है। तो कलावती के नाम पर भी पंचकुला के सेक्टर 6 में और फरीदाबाद में प्लॉट जो है वो अलॉट किया हुआ है। जस्टिस टंडन को पहले पंचकुला सेक्टर 8 में, बाद में एक प्लॉट फरीदाबाद में भी अलॉट किया गया। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शशि किरण अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, झूठे एविडेविट देकर एक से ज्यादा जो प्लॉट हैं वो लेने का मामला सामने आया है, तो कई और बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से कल हमने खबर भेजी थी उसमें बताया था कि 59 जो लोग हैं आरोपी हैं उनके नाम जो शामिल आए, जिन्होंने झूठे हलफनामे लेकर एक से ज्यादा प्लॉट जो हरियाणा में जो लिए हैं रिजर्व कैटेगरी के और डिफेंस कोटे के तहत ये प्लॉट थे। और इसमें आज ये बड़ा खुलासा ये हुआ कि शैलजा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस सरकार में रही है, उनकी जो माँ के नाम पर भी एक प्लॉट जो है पंचकुला सेक्टर 6 में, पंचकुला जो सेक्टर 6 है सबसे जो पॉश इलाका है जहाँ पर करोड़ों में जो है प्लॉट की जो कीमत है वहां पर उन्होंने ले रखा है। इसके अलावा कई IAS IPS अधिकारी और टाउन प्लानिंग के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो काफी बड़ा, मतलब इसमें ये चौंकाने वाला हम इसको कह सकते हैं खुलासा हुआ है। और बड़े बड़े लोगों की, कहने का मतलब ये कि बड़े बड़े आम आदमी को प्लॉट नहीं मिल पाता, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं अहम अपने रसूख के कारण उन लोगों को इस तरीके की प्रॉपर्टी मिली जो करोड़ों रुपए कमाने में कामयाब रहते हैं। बिल्कुल शशि, बड़ा घोटाला है, बड़ा खुलासा भी हुआ है, तो क्या लगता है गिरफ्तारी इस मामले में होना लाजमी है? हो गई है, अब पता चल गया जी, क्योंकि हिसार निवासी जो कर्नल रणवीर है उनकी शिकायत पर जो मामले में कार्रवाई हुई थी, उन्होंने याचिका लगाई थी, उसके बाद जो खुलासा हुआ। इससे पहले भी 1500 लोगों पर जो FIR दर्ज हो चुकी है, अब 59 लोगों की जिन्हें जो अहम लोगों के नाम है वो शामिल है उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो अब देखना की पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करेगी। 59 लोगों का नाम पहले ही सामने आ चुका है, अब और बड़ा खुलासा हुआ है, क्या लगता है शशि और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है ना जांच आगे चल रही है, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कर्नल धर्मवीर जो हिसार निवासी है उनकी जो याचिका उन्होंने लगाई थी उसके आधार पर ये खुलासा हुआ था। तो धीरे धीरे जिस तरीके से जांच हो रही है कई अहम खुलासे उसमें हो रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से शैलजा की माँ का नाम और जीजा का नाम सामने आया है, क्योंकि अहम रसूखदार लोग हैं, इनके नाम पर जो है पॉश इलाके में इन्होंने प्लॉट ले रखे हैं और जिनकी जो कीमत है करोड़ों में है। तो हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी और भी कई अहम खुलासे में हो सकते हैं। लेकिन अब जो तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, यही उम्मीद की जा रही है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन शशि, जिस तरीके से 59 लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज किया गया है, और भी बड़े खुलासे हुए हैं, कई नाम सामने आए हैं, जस्टिस भी इसमें शामिल है जो औरों के लिए न्याय करता है, तो बड़ा सवाल उठता है कि जस्टिस भी इसमें शामिल है तो क्या कुछ अब कार्रवाई लगता है की जाएगी? जी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हुड्डा विभाग ने जो है FIR दर्ज करवा दी है जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, चाहे उसमें राजनीतिज्ञ लोग हैं, ऑफिसर हैं, जस्टिस हैं, कोई भी है। अब जो गेंद है पुलिस के पाले में है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है ये देखना काफी अहम रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर का जो कि गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर टैक्स जमा न करने को लेकर 5 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है। लाखों रुपए का टैक्स बकाया था जिसे लेकर अब 5 प्रॉपर्टीज सील कर दी गई है। तो जो डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है उसे लेकर 5 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है। सेक्टर 35 एरिया में ये प्रॉपर्टी सील की गई है। तो लाखों रुपए का टैक्स बकाया था जिसके चलते अब गुरुग्राम में 5 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है। तो लगभग 19 लाख का टैक्स जो है वो बकाया था, और टैक्स ना भरने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को पहले ही नोटिस जो है वो दे दिए जाते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, टैक्स ब्रांच जो है वो लगातार गुरुग्राम में टैक्स जमा न करने वालों पर जांच कर रही है और साथ में उनको सील कर रही है। तो अब टैक्स जमा न करने पर 5 प्रॉपर्टी और सील की गई हैं, जो कि सेक्टर 35 एरिया में ये 5 प्रॉपर्टी सील की गई हैं।
जिन पर जो है लाखों रुपए का टैक्स जो है बकाया था वो नहीं भर रहे थे। हाँ। इसके लिए पहले टैक्स ब्रांच ने उनको एक नोटिस दिया कि आप टैक्स भर दें नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फिर भी टैक्स नहीं भरा तो उनके 5 प्रॉपर्टी उनकी सील कर दी गई, जबकि एक स्टार एलू बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उस पर 19 लाख रुपए का जो है टैक्स बकाया था। हाँ। फिलहाल जो है 15 मार्च को भी जो है 4 जोन है जो कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, उनकी 89 प्रॉपर्टी है जो टैक्स नहीं भर रही है। हाँ। उनकी नीलामी भी जो है यहाँ पर नगर निगम करने जा रहा है क्योंकि लगभग करोड़ों रुपए का टैक्स जो है 89 प्रॉपर्टी पर है वो नहीं भर रहे हैं। हाँ। ऐसे में उनकी नीलामी को लेकर के 15 मार्च का समय दिया गया है कि 15 मार्च को नगर निगम नीलामी करने के लिए जा रहा है। नगर निगम कह सकते हैं कि सख्त होता नजर आ रहा है, प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा है, तो क्या लगता है और भी डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है उनकी प्रॉपर्टीज भी सील हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिर क्यों नहीं भर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब नगर निगम ने एक टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू की थी कि हर हाउस टैक्स जो है सबको देना होगा या कमर्शियल टैक्स वो देना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग टैक्स नहीं भरते हैं, तो इससे नगर निगम को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में एक अभियान भी चलाया गया था बीच में कि नगर निगम की तरफ से कि जो टैक्स भरेगा उसको छूट भी दी जाएगी, तो उस छूट के बावजूद भी लोगों ने टैक्स नहीं भरा था। हाँ। तो अब आखिरकार जब टैक्स नहीं भरा तो ये कार्रवाई शुरू हुई। एक टैक्स विंग ब्रांच है जो कि इन टैक्स न भरने वालों के ऊपर कार्रवाई करती है, तो टैक्स विंग लगातार अब गुरुग्राम में कार्रवाई कर रही है जो कि कल भी जो है लगभग 22 प्रॉपर्टियों को सील किया था, तो अब जो है 5 प्रॉपर्टियों को और भी सील किया गया है। हाँ। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई जारी है और सबसे बड़ी बात है कि 15 मार्च को जो है 4 जोन है जिनमें 89 प्रॉपर्टी है, 89 प्रॉपर्टी उनकी नीलामी भी जो है अब नगर निगम करने जा रहा है जिन पर करोड़ों रुपए का टैक्स है वो नहीं भर रहे हैं। चलिए गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम सख्त होता दिखाई दे रहा है क्योंकि टैक्स न भरने की वजह से करोड़ों का नुकसान नगर निगम को हो रहा है। कल भी 20-22 के करीब प्रॉपर्टी सील की गई थी, आज भी 5 और प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है, तो लाखों रुपए का टैक्स बकाया था जिसे लेकर अब नगर निगम सख्त होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली प्रकाश सिंह कमेटी पर मानहानि के मामले को लेकर पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हां, सांसद दुष्यंत चौटाला ने प्रकाश सिंह और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था जिसे लेकर सुनवाई आज होनी है। बता दें कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो जाट आंदोलन के वक्त प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किया गया था जिसे लेकर अब सुनवाई होनी है, और इस कमेटी को लेकर आज सुनवाई जो है वो होगी। और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक नहीं किया गया था, और अब इस कमेटी के चलते सुनवाई जो है वो की जाएगी। जिस वक्त जाट आंदोलन हो रहा था उस वक्त जाटों की तरफ से इस कमेटी का यानी प्रकाश सिंह कमेटी का जो है गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। वहीं मानेसर जमीन घोटाले पर मनोहर लाल खट्टर ने जस्टिस ढींगरा आयोग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। हुड्डा के वकील ने इस मामले में बहस के लिए और समय की मांग की थी, हाईकोर्ट ने उन्हें समय देते हुए बहस 27 मार्च तक टाल दी है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमीन घोटाले से जुड़ी जांच चल रही थी, और इस घोटाले में जांच के लिए मनोहर लाल सरकार ने जस्टिस ढींगरा आयोग का गठन किया था। आयोग के गठन को लेकर हुड्डा ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए ये सवाल किया था, ढींगरा आयोग का गठन करने की क्या जरूरत थी। हुड्डा की याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि ढींगरा आयोग का गठन ये जो किया गया है इसके पीछे क्या कुछ तथ्य थे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयोग का गठन बिना किसी आधार और तथ्यों के सिर्फ सियासी रंजिश के कारण किया था और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई थी। चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि पंचकुला से आ रही है, जहां पर सरस मेले का आज आगाज होगा। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं, आज से इस मेले की शुरुआत होगी। सांसद रतनलाल कटारिया बतौर मुख्य अतिथि इस मेले में मौजूद रहेंगे। पंचकुला के विधायक और मुख्य सचेतक भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं।
तो आज इस मेले का आगाज होगा। साथ ही साथ पंचकुला के विधायक और मुख्य सचेतक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कई बड़ी हस्तियां जो है इस मेले में शिरकत करेंगी। सरस मेले का आगाज आज होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त पंचकुला से, जहां पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी सरस मेले का उद्घाटन करेंगे। आज इस मेले का आगाज होगा। सांसद रतनलाल कटारिया बतौर मुख्य अतिथि इस मेले में शामिल होंगे। तो ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शशि अरोड़ा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शशि, सरस मेले का आगाज आज होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? शशि, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ नेहा, बिल्कुल। जिस तरीके से जो पंचकुला में पहली बार जो सरस मेला लगने जा रहा है जी, हाँ पहली बार इसमें 250 से जो ज्यादा स्टॉल होंगे, अलग अलग जो है राज्यों से लोग आएंगे, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं अपनी अपनी चीजों के जो स्टॉल लगाएंगे। और खास तौर पर राष्ट्रीय स्तर का ये सरस मेला है जिसका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है लगवाया जा रहा है, संयुक्त प्रयासों से पंचकुला में लगाया जा रहा है। तो अलग अलग जो राज्यों की जो चीजें यहाँ पर प्रदर्शित होंगी, 12 दिन तक ये मेला चलेगा। और जो है छोटे और बुनकर जो उद्योग वाले जो लोग होते हैं, कुटीर उद्योगों वाले, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनकी जो पहचान है दूर दराज तक जाएगी और उनको ख्याति मिलेगी और आजीविका का उनका साधन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आज इस मेले का आगाज होगा, जिस तरीके से आपने बताया कि 12 दिन तक ये मेला चलने वाला है, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल नहीं, जिस तरीके से पंचकुला में जो पहली बार इस तरीके का, मैंने पहले भी बताया कि मेला आयोजित किया जा रहा है, स्टॉल लगवाए गए हैं, लोगों का जो संस्थाएं हैं जो उन्होंने आना शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवाई जा चुकी है। तकरीबन 150 संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंतजाम तो उनके जो है जिस तरीके से टेंट वगैरह लगाए गए हैं, तो पूरा इंतजाम, हर चीज के पुख्ता इंतजाम उनके लिए किए गए हैं, क्योंकि इस तरीके का जो मेला पंचकुला में पहली बार लगने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि तमाम अपडेट के लिए। तो पहली बार इस तरीके के मेले का आयोजन किया जा रहा है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और 12 दिन तक ये मेला चलने वाला है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा बीजेपी के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने दिल्ली के नए कार्यालय में बैठक बुलाई और इस दौरान उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को एक बैठक की जाएगी जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्रियों से केंद्र की योजनाओं और प्रदेश की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। राजीव जैन ने इनेलो पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको भी पता है कि हर साल बजट सत्र का ऐलान मार्च में होता है, वो अपनी पार्टी की रैली की तारीख को बदल सकते थे। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ हुई घटना की राजीव जैन ने निंदा करते हुए कहा है कि आप पार्टी का मुखौटा अब सामने आया है और इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी सरकार से पहले इस तरह की घटनाएं कई बार घट चुकी हैं। देखिए, कोई आंदोलन करे, इससे जो है विधानसभा का डेट पर या विधानसभा के सत्र पर कोई असर नहीं पड़ता। ये तो जो है पार्टियों के कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं, लेकिन विधानसभा का सत्र जो है तकरीबन जो है मार्च के पहले हफ्ते में तय होता है, क्योंकि बजट पेश करना है और बजट पर चर्चा करनी है और बजट सेशन जो है लंबा चलता है, इसलिए मार्च के पहले जो है हफ्ते में हमेशा होता रहा है। देखिए, किसी भी अधिकारी के साथ जो है इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की जो है बातचीत करना या उसको जो है ह्यूमिलेट करना जो है किसी भी तरह से जो है ठीक नहीं ठहराया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है दिल्ली में जो आप पार्टी का चेहरा है वो पूरी तरह से उजागर हो गया है और उनके विधायकों की जो करतूतें पहले भी जो है जनता के सामने आती रही, क्या मुद्दे लेकर जो है ये जनता के बीच गए थे, किस लिए जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी, वो सब जो है जनता के सामने आ गया है। देखिए, वो जो है केस वापस लेने की प्रक्रिया, केस जो जिस केस में कोई गंभीर जो है धाराएं नहीं होती, कोई गंभीर अपराध नहीं होता, उस तरह से सरकार जो है वापस लेती है। अगर वो भी केसेस जो है अगर इस तरह के आएंगे तो वो भी जो है सरकार वापस ले सकती है। हरियाणा हलचल की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।